है जो जींस में लड़कियां को रेप होता है और सूट में नहीं होता है। जब हम लोग सूट पहन के भी चलते हैं तो लड़के पीछे से ओढ़नी को भी खींच देते हैं। मतलब कि हर एक केस में मतलब 5 साल 2 साल या 6 महीना का बच्चा का मतलब ये होता है, तो उसको क्या पहनाया जाए? तो वो अपनी माँ को भी बोल सकते हैं ऐसे इंसान, तो क्योंकि एक ही जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है या फिर किसी के बच्चे को जन्म देती है तो शायद वो पूरे कपड़े में नहीं होती होंगी, शायद वो पूरे कपड़े में जन्म लिए होंगे, तो वो अपने पूरे कपड़े में जन्म इसलिए किसी के कपड़ों को लेकर वो बयान देते हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इस वक्त अभी हम पट्टा के मगध महिला कॉलेज के सामने खड़े हैं और यहां की छात्राओं से हम जानेंगे उत्तराखंड के जो सीएम हैं तीरथ सिंह रावत जी के बयान पे उनका क्या कहना है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजना गुप्ता है, मैं मगध महिला की स्टूडेंट हूँ। अभी जो उत्तराखंड के सीएम का हाल ही में एक बयान आया है तीरथ सिंह रावत जी का कि जो लड़कियां फटी हुई जींस वगैरह पहनती हैं उनके अंदर संस्कार नहीं होता, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? ऐसा कुछ नहीं है, संस्कार का बात नहीं है, मैं ये खुद के मेंटेलिटी पे, ड्रेस का कुछ नहीं हो, जो लड़की मतलब बुरखा वगैरह पहनती है ऐसा तो नहीं है कि उसमें संस्कार भरा हुआ, और जो जीन्स पहनती है उसमें संस्कार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मेंटेलिटी पे होता है, ये अपने घर के बैकग्राउंड पे होता है। देखिए कपड़े से कुछ डिसाइड नहीं होता है, हम जींस फटा पहने और ये तो मॉडल है ना, हमारा मॉडलाइजेशन हो रहा है, तो आप किसी को कंसीडर नहीं कर सकते। आप फटी हुई जींस पहन रही हैं, आप सूट पहन के निकल रही हैं तो आप बहुत संस्कारी है, आप जींस पहन के निकल रही हैं तो संस्कारी नहीं है। और जिनके बारे में उन्होंने बोला है वो एक प्रोफेसर है, उनको ये बता रहे हैं कि आप ऐसा बोलेंगे करेंगे तो आप बच्चों को क्या ज्ञान देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम समीज में पहन कर आए, मेरी एक दोस्त फटा हुआ जींस ही पहन के आई है, तो ऐसा नहीं कि हमें कुट कुट के संस्कार भरा है, उसमें संस्कार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी ये बात जो है ना, तो बात हुआ जब कपड़े की बात हुई तो सबसे ज़्यादा कपड़े तो वही लोग पहनते हैं, पॉलिटिकल्स लोग, वो लोग तो पूरे पैजामा में ढके रहते हैं ना, और वही लोग सारे करतूत करते हैं, उन्हीं की वजह से इतनी सिक्योरिटी जो है हम लोग को सेफ प्रोवाइड नहीं हो रहा है, और वही लोग बोल रहे हैं कपड़े मत पहनो, ऐसे कपड़े पहनो, वो तो पूरे कपड़े ढके हुए हैं। अब एक बात आता है कि व्यक्तित्व, किसी के पहनावे से उसके व्यक्तित्व को आप जज कर सकते हो, राइट? हाँ। तो आप किसी के कैरेक्टर को कैसे सर्टिफाइड कर सकते हो? अगर कैरेक्टर को आप सर्टिफाइड कर सकते हो तो ये सब पढ़ाई का कोई मतलब नहीं बनता। आप सीधे उसके पहनावे देखो, उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर हमारे पहनावे पर मिलता तो फिर हमें इंटरव्यू क्यों लिया जाता है, हमारा इंटरव्यू क्यों होता है, इतने हम एग्जामिनेशन क्यों देते हैं, फिर कहीं हम जो किसी चीज़ के लिए जाते हैं तो हमारे मार्कशीट क्यों देखे जाते हैं, हमारे करेक्टर से, हमारे लुक से क्यों नहीं हमें जज कर लिया जाता है कि हम सूट पहन के आए हैं, पूरे फुल कपड़े पहन के आए हैं तो हम अच्छे हैं। आया है कि जो लड़कियां फटी हुई जीन्स ये सब पहनती हैं उनके अंदर संस्कार की बहुत कमी होती है, वो संस्कार का आकलन उनके पहनावे से कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो संस्कार कपड़ा से नहीं होता है, कपड़े को देख के आप जज नहीं कर सकते कि वो किस टाइप की है और किस टाइप की नहीं है, बस आपका नेचर अच्छा होना चाहिए, मतलब सोच अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है जो सूट पहनता है या मतलब बुर्का पहन रहा है, निकाब पहन रहा है, उसका मतलब रेप केस नहीं हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए कभी किसी को जज कपड़े से नहीं करना चाहिए। जनरली आप कहना चाह रही हैं कि पहनावे, किसी के व्यक्तित्व को अगर आप जज कर रहे हैं पहनावे पे मत जाइए, राइट? अच्छा, उनका एक सीएम हो करके उनका इस तरीके से बड़ा सा बयान देना किस तरीके से आपको लगता है कि प्रभावित करेगा लोगों को? पता नहीं, अगर उनको ऐसा लगता है कि कपड़ा से, अगर उनको लगता है कि कपड़ा से ये सब केस बर्ड ये हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो मतलब अगर आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि कभी भी तो सूट वाली का होता है, ऐसा कुछ थोड़ी ना है, जो जींस पहन रेप होता है ऑब्वियसली सब जान रहे हैं, जींस में तो आधी आधी रात में लड़की निकलती है, बट सूट वाली डर से निकलती है। आपको लगता है कि उनका ये बयान कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को देखते हुए किया गया है, टिप्पणी है? तो फैमिली बताता है ये क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, फैमिली तो सबका ध्यान देता है, तो फिर वो कौन होते बताने वाले, ऐसा ही होता है, फैमिली हर कोई देखता है, फैमिली का नहीं है, वो ड्रेस को देख रहे हैं, क्योंकि कभी भी अगर मतलब कोई सूट वाली का भी कुछ उसका प्रॉब्लम होता है डायरेक्ट सब लोग, एक वो नहीं सब लोग जज करता है कि अरे वो लड़की ऐसा ड्रेस पहनी थी तो रोड पे गंदा कमेंट आया या ऐसा मतलब बोली थी, लेकिन कभी कभी सूट या कभी कभी मतलब कुछ भी अच्छा ड्रेस पहना हो उस पर भी तो मतलब जरूरी नहीं कि जो लड़की सलवार सूट पहनती हो संस्कारहीन हो, संस्कारी हो, और जो जींस पहनती हो संस्कारहीन हो, ऐसे किसी के संस्कार की डिसाइड नहीं कर सकते आप उनके कपड़े क्या कहते हैं। एग्जैक्टली मैं इससे एग्री करती हूँ, क्योंकि कोई जींस से कैसे किसी का करेक्टर या फिर उसके उसको बोल सकता है कि वो जींस में ये अच्छे नहीं लगते वगैरह, वो जींस से किसी का करेक्टर नहीं डिसाइड होता है, जैसे पहन सकते हो जींस, कहीं ना कहीं ये मेंटेलिटी भी दर्शाती है कि इनकी सोच कैसी है, और वो इस तरीके का बयान देके कहीं ना कहीं लड़कों को भी इनवाइट करते हैं कि लड़कियों की गलती है इस तरह का पहनावा, उनकी गलती है। यस आई एग्री, या आई एग्री,
एक्चुअली वी ऑल एग्री कि हमारा ड्रेस ये नहीं डिफाइन करता कि हम लोग का संस्कार कैसा है। आज के समय में लोगों की सोच देखिए ना कैसी हो गई है, लोग हमारे कैरेक्टर को सर्टिफाइड करते हैं हमारे पहनावे से, ये सोच। और जब सीएम जैसे मतलब कि पद का वैल्यू होता है, गरिमा होती है पद की, और जब सीएम ऐसा बयान देंगे तो आपको नहीं लगता कि इसी तरीके से यहाँ के युवाओं की भी सोच बनेगी? जब इतने अपर पोस्ट पर रह के वो अपना डिग्निटी फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर लोअर में जो रह रहे हैं वो क्या कहें? एक मॉडल अगर होती है तो क्या वो ड्रेस पहनती है तो क्या वो एक संस्कार नहीं है? क्या स्मृति ईरानी एक मॉडल भी रह चुकी हैं, आज वो हमारे देश की एक बहुत बड़े पोस्ट पर है, तो क्या वो एक संस्कार और औरत नहीं है? वो औरत ऐसे किसी के अति चरित्र पर सवाल उठाना बहुत गलत बात है। एक सीएम का तो बिल्कुल आए दिन हमारे देश के बड़े बड़े नेताएं कुछ ना कुछ उठपटांग बयान देते ही रहते हैं, आप सब सुनते होंगे कहीं ना कहीं, एग्री भी करते होंगे इस बात से, और महिलाओं को लेके तो कुछ ज़्यादा ही। आपको याद होगा वो दामिनी केस में किसी एक ने टिप्पणी किया था कि वो अकेले रात में क्यों घूम रही थी, तो भाई आप आज़ादी पर सवाल उठाओगे, कपड़ों पर सवाल उठाओगे, आप उन्हें जेल खाने में ही क्यों ना बंद कर दो? क्या लगता है ये किस तरह की मानसिकता है और ये किस तरह की मानसिकता को बढ़ावा दे? ये लोग मान चुके हैं कि कपड़ा डिसाइड करता है किसी की भी पर्सनैलिटी को या फिर किसी के चरित्र को, तब तो वो अपनी माँ को भी बोल सकते हैं ऐसे इंसान। तो क्योंकि एक जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है या फिर किसी के बच्चे को जन्म देती है तो शायद वो पूरे कपड़े में नहीं होती होंगी, शायद वो पूरे कपड़े में जन्म लिए होंगे, तो वो अपने पूरे कपड़े में जन्म इसलिए किसी के कपड़ों को लेकर वो बयान देते हैं। ये एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग है जो कि इन लोगों को बढ़ावा दे रहा है। अगर वो इस तरह की सोच रखते हैं तो ये ज़रूरी है कि यहाँ के यूथ की मेंटालिटी ऐसी होगी और फिर लोग इससे इन्फ्लुएंस होंगे। हम लोगों को बुरा लग सकता है और बुरा लगना भी चाहिए क्योंकि ये गलत है। और अभी एक लड़की ने हमने अभी बाहर उनसे पूछताछ किया, हाँ आप ही थी, तो इन्होंने कहा कि उनके घर वो लोग कुर्ते पैजामा पहनते हैं, इस तरीके का पहनावा रखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कुकृत्य जैसे जो होते हैं उन्हीं की तरफ से किए जाते हैं, तो क्या उनके घर की महिलाएं या ये सब ये भी तो आज का जो युवा जनरेशन है इस तरह के ट्रेंड को फॉलो करता है, लाइक जींस, हिप हॉप जींस एंड समथिंग? बिल्कुल, मैं बोलना चाहूँगी वो तो अपने बच्चे को फॉरेन में भेजते हैं ना, बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनके बच्चे क्या पहनते हैं जाके हम देखें, जाके देखें उनकी बेटी बिकनी में पहन घूमती है या शॉर्ट्स जींस में घूमती है, हम जाके देखें, वो कौन होते डिसाइड करने वाले? शॉर्ट ड्रेस होता है वो तो फॉरेन का पहचान ही है, शॉर्ट ड्रेस, यहाँ ना इंडिया है तो हम फॉरेन में क्यों नहीं इतने केसेस आते हैं रेप के? इसका कोई जवाब? का जवाब ये है ना कि वहाँ के लोगों का खुलेआम होता है, वहाँ पे सब चीज़ खुलेआम होता है और वहाँ पे ना सब चीज़ के लिए एक सिक्योरिटी प्रोवाइड है, हर चीज़ का एक रूल रेगुलेशन अच्छे तरीके से है और लोगों को ना वहाँ पे महिलाओं को बुलंद बनाया गया है, यहाँ पे यहाँ जैसा नहीं, आप यहाँ जैसा पैट्रियार्कल सोसाइटी वहाँ नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। हमारे यहाँ पैट्रियार्कल सोसाइटी है, शायद इसलिए ऐसा होता है। कहीं ना कहीं सीएम के इस बयान से ये साबित होता है कि उनकी सोच किस तरीके की है, उनकी मेंटेलिटी दर्शाती है कि वो कपड़े से आंकलन करते हैं लड़कियों का व्यक्तित्व या किसी का भी। कपड़े से जज नहीं करना चाहिए किसी को कि कौन क्या है क्या नहीं। ऐसा थोड़ी है जो जींस में लड़कियां को रेप होता है और सूट में नहीं होता है। जब हम लोग सूट पहन के भी चलते हैं तो लड़के पीछे से ओढ़नी को भी खींच देते हैं, और जींस तो बहुत अच्छा है जो हमारे पूरे शरीर को ढक के रखता है, सूट से बहुत अच्छा है, लेकिन हम ये नहीं बोलते जो सूट खराब है, सूट भी पहनो जींस भी पहनो, लेकिन आदमी को कपड़े पे जजमेंट ना करें। सोच की बात होती है, आप किस बिल्कुल मेंटेलिटी की बात होती है, तो वो उनके कहने का बहुत गलत मतलब था। तो उनके इस बयान का पूरी तरीके से मतलब विरोध हो रहा है, ये जायज है, विरोध होना चाहिए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि हर किसी का अपना अपना होता है ओपिनियन। जिस पद पे उनके जो पद की गरिमा है, जिस पद पे है, उनके एक एक बयान काफी मैटर करता है, राइट? तो हम युवा जो होते हैं इस तरह के VIP बड़े लोग को देख करके उनसे सीखते हैं, अगर वो इस तरह का बयान देंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसका क्या असर पड़ेगा आज के युवा जनरेशन पे। युवा बहुत इस व्यवहार से बहुत गलत इसका प्रदर्शन होगा, जो जीन्स ना पहने, सूट पहने, और बॉयज को तो और भी छूट मिलेगा। मतलब कि आप उन्हें सर्टिफिकेट दे रहे हो इस तरह का कह के कि लड़कियों का पहनावा ही मतलब कि उन लोग को आप लोग मतलब कि लड़कियों की गलती है कि आप उन्हें इनवाइट कर रहे हो, राइट? रख देते हैं कि लड़की की गलती है, लड़की अच्छा, मतलब कि हर एक केस में मतलब 5 साल 2 साल या 6 महीना का बच्चा का मतलब ये होता है, तो उसको क्या पहनाया जाए? उसको मतलब उसको जीन्स पहनाओ या सूट पहनाओ, उसको क्या उसके साथ क्यों हो रहा है वैसा? उसके साथ तो नहीं। चलिए मानते हैं कि हम लोग जीन्स एक्सीडेंटल पहनते हैं तो लोग दिखता है, तो मतलब लोग गंदे कमेंट कर रहे हैं तो हम लोगों को बोल तो वो लोगों का नजरिया है। हाँ, तो वो इसीलिए लोगों का नजरिया। सूट में भी तो हम चलते हैं, किसी का सब देखते हैं। बिल्कुल,
वो भी तो गंदे नजर से देख सकते हैं कि किस तरीके से युवाओं के अंदर, लड़कियों के अंदर इनके इस बयान को, तीरथ सिंह रावत जी के बयान को लेकर आक्रोश भरा हुआ।